अस्सलाम वालेकुम मंजू साहब, आप ठीक है? अच्छे से ठीक है, बशुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आज? ये बहुत टाइम के बाद स्नोफॉल हो रहा है, बिल्कुल कश्मीरी लोग इसका वेट कर रहे थे बहुत दिनों से। इंतजार हमारे जो किसान भाई ये पूरा वादी कश्मीर पिछले तकरीबन 50 दिन से कर रहे थे, जो ही फरवरी का महीना आया, आज पहली तारीख है, तो अल्लाह ने ये रहमत भेजी। ओ, ये चेहरे बिल्कुल खिले हुए हैं, बहुत खुश लोग दिख रहे हैं, क्योंकि स्नोफॉल बोला कारण के बता स्नोफॉल हो गई, ये तो हमारी वैली की शान है। ऑर्चर्ड्स की बात मैं करूंगा, इनके लिए काफी जरूरी है। तो ये जो इसे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर आज बर्फबारी नहीं होती तो आपको क्या लगता है क्या होता है? काफी ये जो इम्पैक्ट पड़ते हैं, खासकर पहले ये जो पानी की किल्लत तो फिर उसके बाद जो हमारे बागीचे हैं ऑर्चर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये गुजा का काम कर रहा है। सही सही। और आपको भी पता है कि ऑर्चर्ड जो है ना, गार्डन, वो तो बैकबोन है, एप्पल इज द बैकबोन ऑफ कश्मीर, काफी इकोनॉमिक डिपेंड है, तो इसका एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। ओके ओके। अब कैसा लग रहा है अभी आपने स्नोफॉल देखा तो? कितने अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, हिंदवाड़ा में एक जो शख्स है वो खजूर मिठाई वगैरह बांट रहा था, जो ही उसने देखा बर्फबारी हो रही है। अच्छा, खुशी तो खुशी खुशी जा रहा था, खुशी का ठिकाना नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। लोग इसे क्या मैसेज? हमारे नाज़रीन है इस वक्त देख रहे हैं, हमारी दुआ इनके साथ है, जो भी अल्लाह की इस नियामत का खूब इस वक्त टेस्ट उठाए, लुत्फ उठाए।